होटल राजमहल एपिसोड 126 चंदा। दिव्या और विशाल को एक लड़की की आत्मा नजर आती है जो उन्हें सच्चाई का पता करने और उसकी मुक्ति करवाने की बात कहती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो बहुत ही भयानक रूप में उनके सामने आती है और उनसे कहती है कि मेरी मुक्ति करवाने का सोचना भी मत। दिव्या और विशाल ने जल्दी से उस लड़की का एड्रेस तो निकाल लिया, लेकिन वो दोनों उसको लेकर बहुत परेशान हैं। कभी वो लड़की अपनी मुक्ति मांगती है तो कभी उसके अंदर से एक आवाज उस मुक्ति के खिलाफ उठने लगती है। वो एड्रेस राजस्थान के दूसरे छोर पर बसे हुए एक बहुत छोटे से गांव प्रतापगढ़ का है। दिव्या और विशाल ने देखा कि उन्हें वहां जाने में 4 घंटे लगेंगे, इसलिए वो सुबह 4 बजे की बस से ही प्रतापगढ़ के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो बहुत छोटा सा गांव है और वहां के लोग उन्हें बेहद घूर घूर कर देख रहे हैं। विशाल, ये लोग हमें इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हैं? दिव्या ने हैरानी से विशाल की तरफ देखकर पूछा। क्या पता अब इनको भी हमसे क्या तकलीफ है। विशाल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें किसी से उनके घर का पता पूछ लेना चाहिए, दिव्या ने विशाल से कहा। हाँ चलो। उन्होंने एक छोटी सी दुकान पर जाकर सूर्यभान रघुवंशी के घर का रास्ता पूछा तो दुकानदार ने एक बार को दिव्या और विशाल को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, भाई जी रास्ता तो मैं बता दूंगा, लेकिन थारी लुगाई को बोलना माथा ढक ले। सूर्यभान भाई साने ऐसी छोरियां बिल्कुल ना भावे है। ये सुनकर दिव्या और विशाल थोड़े से हैरान हो गए। वहां से निकलकर दिव्या ने विशाल से कहा, मैं अपने सर पर कोई पल्लू वल्लू नहीं रखने वाली, जिसे भी मेरे बारे में जो कुछ सोचना है वो सोच सकता है। बड़े आए। दिव्या की बात सुनकर विशाल ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों यहां से वहां सूर्यभान रघुवंशी का घर पूछते पूछते आगे बढ़ने लगे। तभी जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा पीछे घुमाया तो देखा कि वहां पर वही लड़की की आत्मा खड़ी है जिसकी मुक्ति के लिए वो जयपुर से यहां प्रतापगढ़ आए हैं। उस लड़की ने अपने हाथों से अपनी साड़ी को ऊपर उठाया हुआ है और उन दोनों को घूरते हुए उसने कहा, मुक्ति दिलाओगे इसे? मुक्ति? इतना कहते ही उस रेगिस्तान से घिरे गांव में रेत का बवंडर उठने लगता है। अभी सूरज पूरी तरह से सर पर आया नहीं है और इसीलिए अभी तक पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है और अब इस रेत के बवंडर की वजह से उन्हें कुछ भी दिखना बंद हो गया है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। ये सब देखकर दिव्या और विशाल की हालत खराब हो जाती है। आखिर अब ये लड़की उनके साथ क्या करने वाली है? दिव्या और विशाल काफी ज्यादा डरे हुए हैं। वो पसीने से तरबतर हो चुके हैं और उनके कदम अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं। उड़ती हुई रेत की वजह से वहां खड़े सब लोग यहां से वहां भागने लगते हैं और दिव्या और विशाल ने भी अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया है। चले जाओ यहां से, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहां। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो लौट कर यहां वापस मत आना। ये कहते ही वो उस रेत के तूफान के साथ वहां से गायब हो गई। दिव्या और विशाल हैरानी से यहां वहां उसे देखने लगे मगर वो उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। विशाल, वो लड़की, दिव्या ने यहां से वहां देखते हुए विशाल से कहा, क्या हमें उसकी बात मानकर कुछ नहीं करना चाहिए? क्या हमें वापस चलना चाहिए? वापस जाने का ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं दिव्या। हमें कुछ भी करके इस सारी पहेली को सुलझाना होगा। अब चलो उस सूर्यभान के घर चलते हैं। उस दुकानदार के कहने के बावजूद भी दिव्या ने अपने सर पर पल्लू नहीं लिया है। चलते चलते वो दोनों एक हवेली के पास पहुंच गए जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, रघुवंशी निवास। दिव्या और विशाल ने बाहर से देखा तो हवेली के अंदर घुसते ही दोनों तरफ काफी बड़ा बगीचा फैला हुआ है। उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हैं और दोनों तरफ रंग बिरंगी लाइट के फव्वारे लगे हैं। उस घर को देखकर ही पता चल रहा है कि वहां पर रहने वाले लोग कितने अमीर होंगे। दिव्या और विशाल हैरानी से उस पूरे मकान को देखते हुए अंदर बढ़ने लगे और तभी उनके कानों में एक आवाज आई,
हाँ जी, कौन हो आप और ऐसे अंदर कैसे चले आ रहे हो? दिव्या और विशाल ने देखा कि उस बगीचे में एक आदमी पानी दे रहा है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे दिव्या और विशाल ने उस लड़की के कमरे से बाहर की तरफ भागते हुए देखा था, मगर अब 7 सालों के बाद वो काफी हद तक बदल चुका है। उसके बालों में सफेदी की परत छाई हुई है और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं। उसने अपनी आंखों पर एक बहुत मोटा काला चश्मा लगाया हुआ है और वो दिखने में पहले से थोड़ा अलग लग रहा है। उसे देखते ही दिव्या ने गुस्से से कहा, यही वो आदमी है जो अपनी बीवी को उस कमरे में अकेला छोड़कर आ गया था। जरूर इसी की वजह से उस लड़की की जान गई है और अब ये दुनिया भर में ये बोलता घूम रहा है कि लड़कियों को सर पर बिना पल्लू के नहीं रहना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी तो मैं। इतना कहकर दिव्या गुस्से से उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी, मगर तभी विशाल ने उसे पकड़ लिया। अरे ओ विशाल, संभाल अपनी इस झांसी की रानी को, ये तो अभी से उस आदमी के पीछे पड़ गई है। अभी तो तुम दोनों को सच का कुछ पता भी नहीं चला है। विशाल ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो वो आवाज मुरली और बंसी की है और मुरली और बंसी उन दोनों के आसपास खड़े हैं। हाँ हाँ, पहले जाकर उस इंसान से बात तो करो, सच का पूरा पता तो लगाओ। लेकिन नहीं, इससे पहले ही इसकी ये उसकी वो। बंसी ने मुंह बनाते हुए कहा और उन दोनों की बात दिव्या को समझ में आ गई और वो शांत हो गई। वो आदमी अभी भी हैरानी से दिव्या और विशाल की तरफ देखे जा रहा है। उसे सच में समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों कौन हैं जो उसके घर में घुस आए हैं और ये आखिर ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। वो अपना चश्मा ठीक करते हुए एक बार फिर आ गया है और उन्होंने इस बार थोड़ी सख्ती से पूछा, आ भाई क्या काम से? इस बार विशाल थोड़ा आगे आया और उसने जवाब दिया, हम दोनों होटल राजमहल से आए हैं। विशाल का यह जवाब सुनते ही उस आदमी के हाव भाव काफी ज्यादा बदल गए। उसने अपने हाथ में जो पानी का पाइप पकड़ा हुआ था वो भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। दिव्या और विशाल ने देखा कि होटल राजमहल का नाम सुनते ही उस आदमी का पूरा शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ चुका है और उसके होंठ थर थर कांप रहे हैं। उसके माथे पर अचानक से पसीने की बूंदें आ गई हैं। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभालते हुए अपना चश्मा ठीक किया और गुस्से में विशाल और दिव्या के ऊपर झल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम होटल राजमहल से आए हो या जहाज महल से, निकलो यहां से। ये कहते ही वो विशाल के जवाब का इंतजार किए बिना हड़बड़ाहट में अंदर अपने घर की तरफ भागने लगे, मगर तभी अचानक से दिव्या ने चीखते हुए कहा, हम दोनों जानते हैं कि तुमने ही अपनी बीवी का खून किया है। हम जानते हैं कि तुम्हारी वजह से ही उसकी जान गई है और अगर तुम उसे उस दिन कमरे में अकेला छोड़कर नहीं आते तो आज वो जिंदा होती। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो तुम्हारी पत्नी भी थी या कोई और। दिव्या की बात सुनकर वो आदमी चलते चलते अपनी जगह पर रुक गया और एक झटके से पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, बस बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने, अब बंद कीजिए ये बकवास। आप अभी सोच से कोसों दूर हैं। मैं बकवास कर रही हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं सच से दूर हूँ? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे ठाकुरों और चौधरियों को। तुम अपने शरीर की हवस बुझाने के लिए गरीब घर की बेटियों का इस्तेमाल करते हो और उसके बाद जब मन भर जाता है तो उनको किसी कोने में पटक देते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे वहाँ छोड़ देने के बाद वो लड़की आग में जलकर मर गई? आपको दूर दूर तक भी नहीं पता कि बात क्या थी। वो मेरे लिए हवस बुझाने का जरिया नहीं थी बल्कि वो मेरी पत्नी थी, चंदा। उसकी बात सुनकर दिव्या और विशाल बेहद हैरान रह जाते हैं। तो वो लड़की सच में उस इंसान की बीवी थी? तो फिर वो उसे उस हालत में छोड़कर भाग क्यों गया? वो मेरी बीवी थी और मैं। वो आगे कुछ बोलने ही वाला है कि तभी अचानक से उसने बहुत ध्यान से दिव्या और विशाल की तरफ देखा और पूछा, मगर तुम दोनों को कैसे पता कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ था? 7 साल पहले तो वहां पर कोई भी नहीं था और मैं तुम दोनों को नहीं जानता,
और ना ही मैं तुमसे पहले कभी मिला हूं, तो फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? उस आदमी का सवाल सुनकर दिव्या और विशाल बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वो एक नजर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि वो सूर्य भान को क्या कहे। विशाल कुछ सोचते हुए थोड़ा झिझक कर उनकी बात का जवाब देता है। मैं नहीं जानता कि आप मेरी बात पर कितना यकीन करेंगे और कितना नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपकी बीवी की आत्मा पिछले 7 सालों से उसी होटल राजमहल के अंदर भटक रही है। वो बेहद दर्द में है और अपनी मुक्ति चाहती है। उसे अपना पूरा सच भी नहीं पता और इसलिए सुराग ढूंढते ढूंढते हम आज यहां तक पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस सच की बात कर रही थी, लेकिन मैं उसी सच के लिए यहां तक आ पहुंचा हूं और बिना सच जाने यहां से जाऊंगा नहीं। विशाल के अपनी बात पूरी करते ही अचानक से आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और रह रह कर बिजली कड़कने लगती है। देखते ही देखते वहां का माहौल बदलने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हवाएं अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। ये सब देखकर सूर्यभान बेहद घबरा जाता है और डरते डरते अपने हाथ जोड़ लेता है। वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है, जय माँ काली, जय माँ काली, रक्षा करो, रक्षा करो माँ। ये सब क्या हो रहा है विशाल? दिव्या अपने बालों को संभालती हुई विशाल से पूछती है और विशाल उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, अब तो सच बता दो, आखिर बात क्या है, कुछ तो बोलो। अंदर चलो, माँ काली के सामने ही बताऊंगा। क्या पता कौन सी बुरी शक्ति यहां हम पर नजर रख रही हो। मैं यहां कुछ भी नहीं कहने वाला। अंदर चलो मेरी माँ काली के सामने। उसकी बात सुनकर दिव्या और विशाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। कहीं ये सब इस आदमी की कोई चाल तो नहीं, कहीं वो उसे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मगर उन दोनों के पास इस वक्त और कोई रास्ता भी नहीं है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर धीरे से अपना सर हिलाया और उस आदमी के पीछे पीछे उसके घर के अंदर चले आए। दिव्या और विशाल ने देखा कि उसकी हवेली काफी बड़ी और आलीशान है। तभी एक औरत लंबा सा घूंघट करके उनके सामने आए और सूर्यभान ने उसे कहा, मेहमान आए हैं घर पर, जा चाय नाश्ते का इंतजाम कर, तब तक हम मंदिर जा रहे हैं, ध्यान रहे कि वहां कोई आने ना पाए। इतना कहकर वो दिव्या और विशाल को लेकर अपने घर में बने मंदिर में चले गए। उन दोनों ने देखा कि सूर्यभान ने घर के अंदर एक काफी बड़ा मंदिर बनवाया हुआ है, जिसमें अलग अलग भगवानों की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित है। उसने वहां जाकर सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़े और उसके बाद दिव्या और विशाल को एक कोने में आसन पर बिठा दिया। वो खुद भी एक जगह बैठ गया और बस एक तक भगवान को निहारने लगा। तब दिव्या और विशाल ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या अब आप हमें बता सकते हैं कि आखिर 7 साल पहले हुआ क्या था? जय माँ काली, वो लड़की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो लड़की मारी बीवी चंदा थी और बहुत मन से ब्याह के लाया था मैं उसे। बहुत ख्याल रखता था उसका मैं, लेकिन मारे को क्या पता था कि वो अकेले मारे घर ना आ रही, वो अपने साथ एक मुसीबत भी ला रही है। उसकी बात सुनकर दिव्या और विशाल काफी हैरान हो जाते हैं। साथ में मुसीबत ला रही है, क्या मतलब? अब कहना क्या चाहते हैं? मेरी शादी हुई और हम दोनों इस हवेली में आ गए। शादी के बाद हमारी सुहागरात पर मैंने उसके नजदीक जाने की कोशिश की, मगर तभी एक झटके से मैं हवा की रफ्तार से ऊपर उड़ता हुआ उससे अलग हो गया। मैं एक बेजान लाश की तरह जमीन पर आ गिरा और उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य काली परछाई मुझे उठने ना दे रही हो। वहां पड़े पड़े मेरी आंखों के सामने उस परछाई ने मेरी बीवी का बलात्कार किया। ये सुनते ही दिव्या और विशाल की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और दिव्या के मुंह से निकला, बलात्कार? सूर्यभान ने जवाब दिया, जी हां, बलात्कार। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ उस दिन हुआ, बल्कि ये तो हर रात की कहानी हो गई थी।
मुझे वो शक्ति दूर उठाकर फेंक देती थी। उसके हाथ पैर बिस्तर के साथ जैसे जम जाते थे। वो बहुत कोशिश के बाद भी हिल नहीं पाती थी। उसके कपड़े एक एक करके उतरने लगते और उसके शरीर पर काले नीले रंग के निशान पड़ जाते थे। वो चीखती थी, तड़पती थी और मैं कुछ नहीं कर पाता था। हम उसके इलाज के लिए पता नहीं कौन कौन से तांत्रिक और गुरुओं के पास गए। उसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया। जो कोई भी इंसान हमें कुछ भी बताता, हम वही करने लग जाते, मगर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। चंदा पर शायद किसी बुरी शक्ति का साया था जो हर रात उसका बलात्कार करती थी। ये सुनकर दिव्या और विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस आदमी की बातों पर विश्वास करें। तो क्या होगा कहानी में आगे? कैसे करेंगे विशाल और दिव्या सच से पर्दाफाश? क्या सूर्यभान जो कह रहा है वो सच है, या इसके पीछे उसकी कोई चाल है? क्या विशाल और दिव्या चंदा की आत्मा को इंसाफ दिला पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।